அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா, அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான். रखिए ये सर्कल कटा है, ये लोग यहाँ पे प्राइम वाले अभी पहले लेफ्ट देखेंगे। अब इनका जोरो है या जो भी बंदा है रोटेशन दिलाने वाला, वो या तो नेक्स्ट लेवल आईजीएल है एकदम, या फिर उसको कुछ ज्यादा ही पता है भाई, या फिर बहुत ही जबरदस्त इन्होंने रोटेशन दिखाई, क्योंकि इनकी इनको ऑब्जर्व करना बस। ये देखना, ये लोग पहले इधर उधर देखते हैं, फिर ये बंदा लेफ्ट राइट जोरो है इनका, देखते हुए जा रहा है हर तरफ, लेफ्ट राइट पूरा देखते हुए यहाँ से रोटेशन डलवाएगा पूरा। जीनियस रोटेशन, आई कुड से कि बहुत ही बढ़िया रोटेशन है। आई कैन नॉट से कि ये सस्पिशियस है या फिर क्या है इनका। अब ये लोग यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ से किल्स पे किल्स बटोरते चले जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने पूरा स्पिट होल्ड करा, जाके मारा अच्छा खासा। इस पे कुछ भी सस्पिशियस बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार इनका कुछ देख बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। लॉर्ड इधर है, चलो ठीक है, ये तभी भी निकलता नहीं है क्योंकि ठीक है चलो कवर में बैठा है वेट कर रहा है, लेकिन जब ये निकलना शुरू करेगा तुम देखोगे ये नीचे आके लेफ्ट साइड में आने की कोशिश करेगा। भाई जैसे ही कूदा तुम पीछे देखो, हल्का सा अगर तुम पीछे आओगे, ये जैसे ही कूदा तुरंत ये देखो, तुरंत आके बस वो जंप करके नीचे बंदा जैसे हाथ टिकाता है वो करा इसने, तुरंत भाई रेडी हो गया मारने के लिए, बाहर निकलना शुरू हो गया। 29 गोलियां हैं, पहले आया देखो अभी तक निकला भी नहीं है वो, उससे पहले उसको स्कोप खुल गया, बंदा स्पॉट करता है, बंदा थोड़ा सा रेडी बैठता है। यार एक बात बताओ, तुम पहले से पीक देने लग जाओगे जब तुम्हें नहीं पता कि बंदा यहाँ है, तुमने ऑलरेडी देख लिया एक बंदा है, वो हो सकता है कवर लगा के बैठा हो, तुम पे हार्ड पीक करके बैठा हो, टीपीपी लेके बैठा हो, मार सकता है, तुम पहले ही चलो कवर छोड़ के आ रहे हो ये सोच के कि बंदा नहीं देख पाएगा, तुमने इतना निकलना शुरू कर दिया यार, इतने में तो पड़ जाती है ऐसे, जब तक स्पॉट ना हो कोई बंदा ऐसे पीक नहीं करता। ये ऑलरेडी पीक कर रहा है पहले से ही, और लॉर्ड तो था ही नहीं ऑफकोर्स यहाँ पे, हमें दिख रहा है लेकिन हमारे साथ साथ शैंक्स भाई को भी दिख रहा था, वो चेजर निकल भी नहीं पाया, ऑलरेडी इसकी गन निकलनी शुरू हो गई। तुम ये देखो इतनी जल्दी कोई भी ट्रेस नहीं कर पाता भाई, पहले तो बंदा ऐसे बैठा रहता जैसे ये बैठा था, पहले इस पोजीशन में बैठा रहता जब चेजर निकल के भागना शुरू कर भी देता, वो ऐसे नहीं होता इस पोजीशन में कि बस वो निकलना शुरू किया और तुरंत उसका स्कोप खुल गया, वो देखता स्पॉट करता, जब इस पोजीशन पे आता ना तब बंदा स्कोप खोल के मारने की कोशिश करता, और उसमें कोई गारंटी नहीं थी मार पाता या नहीं मार पाता, पहले ही इसने कनेक्ट कर दिया भाई। और पता है ये डेस्परेशन क्यों, क्योंकि केवल 29 गोलियां हैं, पॉइंट्स इनको निकालने ही निकालने थे। उसके बाद में ये देखो फ्लेक और लॉर्ड भागना शुरू कर गए, चेजर को तो मारेंगे बट सारे के सारे बंदे इनको चेज करेंगे, डेस्परेशन देखो खुल्ला भागन कर दिया गया यार, इतना भरोसा यार। बट यहाँ पे ब्रूक उनके द्वारा ही कनेक्शन, देखो शैंक्स फिर ऑन फुट क्लोजिंग कर रहा होता है यार, और उसी बीच में नॉक निकलता है, तुरंत उधर से एक और नॉक, दूसरा नॉक, तीसरा नॉक, भाई खत्म, बस एक बंदा रह गया यहाँ पर। पता चल रहा है यार कि जोर और शैंक्स इन दोनों पे तो है कुछ ना कुछ। उसके बाद इनकी रोटेशन देखो भाई, सीधी रोटेशन डलेगी, सीधी सीधी जोन के अंदर आएंगे, देखो देखते रहना इनको, देखते रहना, ये आए सीधा सीधा डालेंगे, देखो आ रहे आ रहे आ रहे, सारे के सारे भाई और सीधा यहाँ घुस गए सीधा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई नॉक नहीं, कुछ नहीं, और फिर घुसते ही फिर से फाइट्स निकालना शुरू। पहला नॉक फिर से गेस कौन करेगा, जोरो जोरो शैंक्स, यही चल रहे थे इसमें तो पूरा। देखो शैंक्स ने फिर नेट पिन कर लिया।